अगर आज सौरभ को सही किया गया है इसका परिणाम यह है कि हम में से हर कोई थोड़ा थोड़ा सौरभ बन गया है। मैं आपसे केवल चार पांच लाइन में बात कहने आया हूं। अभी एक टीवी के सामने बैठा था, दिल्ली में जो एक ड्रामा हो रहा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, कल एक मंत्री को निकाला गया, उस पर बहस चल रही थी, सब ड्रामा कर रहे थे। मैंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार पर बात करनी है तो सौरभ की हत्या पर बात करो और एक राष्ट्रीय सर्वानुमति बनाओ, नेशनल कंसेंसस बनाओ कि इस बात पर कि हम एक भी सौरभ जैसे ईमानदार नौजवान को मरने नहीं देंगे, उसकी एक की मौत जो होगी, एक की हत्या होगी तो पूरे देश के जगने का कारण बनेगा। अगर बहस करनी है तो केवल इस पर बहस करो। अभी मैं वापस आज तक की बहस पर बैठने के लिए जा रहा हूं, आपसे दो बात केवल कहने जा रहा हूं कि सौरभ आज का भगत सिंह है। मुझसे पहले यह बात किसी ने कह दी कि इस हत्या को, इस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम में से हर कोई सौरभ है, हर कोई के अंदर वही धड़क रहा है। हम इस संकल्प को लेकर यहां से जाते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये यकीन दिलाता हूं कि हम इस बात को अंजाम तक ले जाएंगे। ये हिंदुस्तान के अंदर एक नया दौर शुरू हो, हिंदुस्तान के अंदर ईमानदारी की इज्जत होनी शुरू हो, सभी पार्टियों का जो पाखंड है, उनका जो खेल है, उनकी जो तूतू मामे है, वो सब खत्म हो, ईमानदारी के साथ इज्जत हो, हर किसी की जिंदगी की इज्जत हो। अब हम किसी और सौरभ को नहीं मानने देंगे, नहीं मानने देंगे। हर कोई जिएगा, इज्जत के साथ जिएगा, ईमानदारी के साथ जिएगा और हर किसी की भागीदारी बराबर के साथ होगी इस हिंदुस्तान को और प्यारा बनाने के लिए। सौरभ की याद को फिर जोरदार सलाम, मेरे हार्दिक अभिवादन। आप सबके अंदर जो छोटा छोटा सौरभ जिंदा हो चुका है, पैदा हो चुका है, उसको भी मेरा जोरदार सलाम दोस्तों। जिंदाबाद, हम जीतेंगे, सौरभ का शहादत बेकार नहीं जाएगी, इस यकीन, इस संकल्प के साथ बहुत जोरदार जिंदाबाद।